और फाइनली लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटा सा वाटर ब्रेक लिया है हम लोगों ने, और यहाँ पे थोड़ा स्टे करने के बाद, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद लगभग हम लोग 2.5 किलोमीटर चल चुके हैं, और इसके बाद हमें यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर चलना है हेवन हिल्स कैंप पे और रागी एडवेंचर कैंप पे। तो अभी लाइव स्नोफॉल छिल रहा है और जो स्टार वगैरह हैं वो भी पूरी तरह से लगे हुए हैं, और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी स्टार्ट हो गया है। तो आई होप, मैं तो ये चाहता हूँ आज इतना स्नोफॉल हो जाए कि हम लोग सुबह को जिस जगह पे वो जगह पूरी स्नोफॉल से कवर्ड हो जाए, और आप लोगों को भी दिखाऊं कि देवरियाताल में कितना स्नोफॉल होता है, और एक सुंदर नज़ारा जो देवरियाताल का कल सुबह आपको ड्रोन के माध्यम से वो भी दिखाएंगे। चलो, और ये आप देख सकते हो प्रीति स्नो से कितना कवर्ड हो चुकी है। लगभग अभी हम लोग आ ही रहे थे तो स्नो लगभग लगातार चली रही है, और ये है आपके सुबोध भाई जो हमारे TCC के मेंबर भी हैं, और ये है कृष्णा, और ये हमारे भूतपूर्व TCC मेंबर भूपेंद्र भट्ट, और आप लोग देख सकते हो स्नो लगभग काफ़ी हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि इससे इसके बाद भी स्नोफॉल हो जाए तो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे जो लाइट जो होल्ड करके रखे हैं ये अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, फेस पे कीजिए थोड़ा सा। यस, तो ये देखिए, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया मुझे लग रहा है। तो आप देख सकते हो स्नो, और लगभग अभी चल रहा है, तो इसके बाद भी ट्राई करेंगे कि जो स्टार गेजिंग वगैरह है उसको भी शूट करने का। तो देखते हैं जैसे भी होगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे, और आप लोग देख सकते हो जो लाइट की व्यवस्था है वो लगभग हो चुकी है, और अभी यहाँ पे चार्जिंग पे जो फ़ोन लगे हैं ये है मेरा Nikon Z50 का बैटरी, और ये है अपना फ़ोन, तो चार्ज हो जाएगा। और बाहर स्नोफॉल आपको दिख रहा होगा, ये जगह अभी स्नोफॉल चल रहा है, तो स्नोफॉल भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको भी दिखाएंगे और मज़ा भी लेंगे स्नोफॉल का। ये आप देख सकते हो अमरीश भाई और अनुराग स्नोफॉल से जो स्नोफॉल अभी हुआ था तो अच्छे तरीके से कवर्ड भी हो गए हैं। यस, तो इसी चीज़ का मज़ा लेने के लिए आए थे देवरियाताल में, और वो चीज़ धीरे धीरे हो रहा है हमारे साथ, तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा स्नोफॉल हो जाए ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें डेली वॉच करते हैं उनको भी हम दिखा पाए। और लगभग जब से हम लोग देवरियाताल में एंटर हुए हैं तब से स्नोफॉल कंटिन्यू जारी है, तो काफ़ी खुशी भी है, तो आप भी आनंद लीजिए स्नोफॉल का, जो लाइव स्नोफॉल है। इस चीज़ के लिए मैं तुंगनाथ भी गया था और देवरियाताल में भी आया था, उस टाइम पे स्नोफॉल नहीं हुआ था, पर आज मैं ये सोच के आया था कि स्नोफॉल होगा और फाइनली स्नोफॉल भी हो गया। आप लोग ये चीज़ भी देख सकते हैं, जो कैंप जो बोन फायर है वो भी कंटिन्यू जारी है, अनुराग भी काफ़ी मज़े ले रहा है इस चीज़ के। जिस चीज़ का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था स्नोफॉल लाइव स्नोफॉल देखने का, वो लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, और स्नोफॉल काफ़ी हद तक स्नोफॉल चल रहा है। स्नोफॉल आप लोगों को दिख रहा होगा लगभग कितना स्नोफॉल है, और जो गले में दर्द है वो कंटिन्यू जारी है, पर आप लोगों के लिए एक प्यारा सा ब्लॉग लेके आना था, मैंने माइंड में सोच रखा था कि आपके लिए एक छोटा सा और जो लाइव स्नोफॉल है वो दिखाऊं आपके लिए, तो और फाइनली वो चीज़ आपके सामने है, और आप भी मज़े लीजिए जो स्नोफॉल है, और हम तो खैर ले ही रहे हैं। जो स्नोफॉल को मिस करता है वो ज़रूर इस वीडियो को देखे और अच्छे तरीके से मज़े लें, और दिखाते हैं आपको कितना स्नोफॉल लगभग चल रहा है थोड़ी देर में। अभी हम लोग जो बॉम फायर पे बैठे हुए हैं सारे लोग, अभी मेरे साथ जो भूपेंद्र भट्ट है, ये अमरीश है, और कृष्णा, सुबोध, राहुल, और एक सबसे बड़ी बात मेरे साथ में अभी एक नए यूट्यूबर जो माउंटेनियर
प्रीति नाम से है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम 5-6 लोग हैं और प्रीति यहाँ इस देवरियाताल के ट्रैक पे हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो आप भी सोच सकते हो और इस स्नोफॉल का मजा ले सकते हो। ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं कि आप पागल हो, इस स्नोफॉल में बाहर जा रहे हो और शूट कर रहे हो। इनको क्या पता जो एक ब्लॉगर होता है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। और लगभग टाइम 11 बज चुका है, अभी तक हम लोगों का खाना नहीं हुआ और प्रीति को हम लोग बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे हैं कि प्रीति ने बहुत सारा जो खाना बनाने में जो हमारी हेल्प थी वो भी की। और अभी जो अभी लगभग टाइम 11 बज चुका है, अभी हम लोगों का होगा डिनर, होगा डिनर करते हैं और थाली लग चुकी है और जो डिनर है दिखाते हैं डिनर में क्या क्या है। वैसे चिकन तो है पर प्रीति के लिए मटर वगैरह की सब्जी बनी हुई है। तो ये प्रीति का खाना है, और लगभग टाइम अभी लगभग 12 बजने वाला है और आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कितना ठंडा है और जो टेम्परेचर है वो माइनस लगभग 3-4 तो होगा ही। और मॉर्निंग में जो वर्क ग्लास वगैरह होगा वो आपको दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा प्रीति और मैं सोच रहे थे कि एक थोड़ा सा छोटा सा शूट करने का, पर स्टार वगैरह तो है नहीं, मौसम पूरा पैक है, पर देखते हैं अगर हो पाता है तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी जिस जगह पे अभी हमें हम हैं अभी हेवन हिल्स कैंप पे, और जो ये कैंप साइट है ये है, इसके जो ओनर हैं वो हैं देवेंद्र सिंह नेगी, और जस्ट इसके बगल पे है रागी एडवेंचर कैंप जिसके ओनर हैं भूपेंद्र भट्ट एंड उपेंद्र भट्ट। तो मॉर्निंग में एक अच्छा सा नज़ारा आपको दिखाएंगे, अभी फ़िलहाल आप नाइट का मज़ा लीजिए। लगभग इतना स्नो अभी जस्ट जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे उस टाइम से लगभग इतना स्नो गिर चुका है, और जो इससे पहले की जो स्नो थी वो इसके नीचे जो वर ग्लास है वो हल्का फुल्का जमा हुआ है, और जो जितनी ये स्नो आपको इधर उधर हो रही है इतनी जो अभी जो मतलब कुछ देर पहले स्नोफॉल हुआ है उस वो है। और फाइनली लगभग टाइम अभी आपका 12:30 के करीब हो चुका है। अभी हम लोग छोटा सा एक फ़ोटो शूट करने के लिए आए थे और सोच रहे थे कि आपको कुछ यूनिक फ़ोटोज़ वगैरह दिखाएं, पर आज ही अभी जो बैक साइड में जो मौसम है वो पूरा वाइट आउट हो रखा है, उसकी वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि जो स्नोफॉल अभी हो रहा है और जस्ट जो इसके इससे पहले जो स्नोफॉल चला था वो काफ़ी ज़्यादा था, पर अभी हल्की सी है। और फिलहाल आज के ब्लॉग में एक खास बात यह है, मेरे साथ में है प्रीति। और प्रीति हाय, लगभग अभी प्रीति ने एक अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, प्रीति माउंटेनियर यस करके नाम है। और अभी हम लोगों ने सोचा एक कमाइंड ब्लॉग शूट करने का, इसीलिए सडन हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम लोग देवरियाताल में चलते हैं और देवरियाताल में जो लाइव स्नोफॉल है उसको शूट करते हैं। बाकी प्रीति का एक्सपीरियंस कैसा रहा जो फर्स्ट डे का है, और शायद से यूट्यूब एक ऐसी मेमोरी है आप लाइफ टाइम इस चीज़ को अपने चैनल के जरिए अपने आप को देख सकते हो कि आप जो स्टार्टिंग दौर था वो कैसा था, और जो आपका स्टार्टिंग दौर है अब जो आपका टाइम है वो कैसा है। तो ये बड़ी बात है हम लोगों के लिए, शायद फोकस आउट। तो प्रीति कैसा रहा? बहुत अच्छा था। आप ब्लॉगिंग के बारे में बात कर रहे हैं? Yes. ब्लॉगिंग वैसे तो मेरा कुछ ऐसा था नहीं कि मुझे ब्लॉगिंग वगैरह करनी है, मतलब मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पे, लेकिन जब से सुजान मिला है, सुजान ने कहा कि प्रीति एक काम करो, कोई नहीं एक बार ट्राई कर लो, तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग मैंने तुंगनाथ का बनाया था
उतना ज़्यादा खास नहीं बना है लेकिन थोड़ा बहुत बना था। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार सुजान के साथ चले जाएँ, थोड़ा सीख लूँ मैं कैसे वैसे ब्लॉगिंग करते हैं। तो सुजान और मैंने प्लान किया कि हम लोग देवरिया ताल हो आएंगे, और अभी हम लोग देवरिया ताल में हैं और यहाँ पे अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है। तो मैं सुजान के साथ आई हूँ यहाँ पे, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग वगैरह भी करूँगी और इसके साथ सीखूँगी भी कि कैसे करते क्या करते। बाकी यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा, तो इन्जॉय के लिए भी हम लोग यहाँ पे आए थे। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है, अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। अभी निकलते हैं हम लोग अपने कैंप साइट की ओर, और फिर हम लोग आज रात को, नाइट को अभी ज़्यादा हो गया तो सो जाएंगे, और फिर मॉर्निंग को आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का व्यू कैसा रहता है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि तबीयत खराब है, फिर भी आप लोगों के लिए इतना जो काफिल है देवरिया ताल का इस पे जल का है, क्योंकि आपको एक नए दिन का नया ब्लॉग दिखाना था देवरिया ताल का। तो फिलहाल हम लोग भी चलते हैं कैंप साइट पे, और कैंप साइट पे कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं, उनको भी देखते हैं वो किस टाइप से इंजॉय कर रहे हैं और क्या उनके गाने चल रहे हैं। आप देख सकते हो स्नो कितनी है, कितनी है, कितनी। और कंटिन्यू स्नोफॉल लगा हुआ है, कभी ज़्यादा हो रहा तो कभी कम हो रहा, आप लोग देख सकते हो। फिलहाल हम लोग भी सोने की तैयारी कर रहे हैं, मिलते हैं आपको मॉर्निंग में, और आपको मॉर्निंग का नज़ारा भी दिखाएंगे, जो सनराइज वगैरह है और रिफ्लेक्शन जो पॉइंट है, रिफ्लेक्शन पॉइंट है वहाँ से क्या चौखंबा का व्यू पॉइंट रहता है वो भी दिखाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं मॉर्निंग में, फिलहाल के लिए बाय बाय। सो मॉर्निंग लगभग टाइम अभी 6:30 हो चुका है, और हम लोग 5:30 बजे उठ गए थे, थोड़ा मौसम के बारे में देखा क्या है कैसा है, फिर मौसम पूरा पैक था तो फिर हम लोग सो गए थे, और जस्ट अभी उठे, और इसके बाद अभी बाहर थोड़ा बाहर देखा और फिर वही मौसम के हाल चाल वही थे, फिर हम लोग फिर से बिस्तर के अंदर घुस गए। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और लगभग धूप लगने वाली है, और जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:30 से 7 बजे के बीच लगभग टाइम हो चुका है, और अभी जिस लोकेशन पे मैं हूँ हेवन हिल्स कैंप पे, और ये रहा आपका रागी एडवेंचर कैंप, एक ऑसम व्यू है, मज़ा आ गया। तो आप देख सकते हो इस टाइप से हम लोगों ने कल रात को भी इंजॉय किया, और कल रात को स्टार वगैरह का शूट करना था वो हो नहीं पाया था, बिकॉज उसका रीज़न ये था कि कल पूरा वाइट आउट था बैक साइड में, जहाँ जो स्टार वगैरह थे वो थोड़ा पैक हो गए थे और फिर स्नोफॉल कंटिन्यू चालू हो गया था। तो चोपता वैली से अभी लगभग धूप लगने वाली है, और जिस जगह मैं अभी हूँ ये है आपका रागी एडवेंचर कैंप, ये जगह, और ताल है हमारा इस जगह। तो चलते हैं हम ताल की ओर, और फिलहाल अभी कुछ लोग थोड़ा चाय वगैरह पी रहे हैं, चाय वगैरह पीने के बाद रागी एडवेंचर कैंप। तो आप दोनों जगह में से कहीं भी स्टे कर सकते हो। सो चलिए फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपता वैली। मैं सुजान नेगी चोपता की नसीन वादियों से अपने यूट्यूब चैनल एस जे मलियन में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मिलते हैं आपको एक नए दिन नई सुबह के साथ, और मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, सुंदर धूप खिली हुई है, और आप आइडिया लगा सकते हो क्या अभी यहाँ का नज़ारा क्या नज़ारा होगा जब धूप निकलेगी, जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा रहेगा वो आपको भी दिखाएंगे। चलिए फिर, और भांजा भांजे राम, तो काफी मेहनती है अनुराग, चलिए फिर हम लोग भी निकलते हैं ताल के लिए, और जल्दी से जल्दी अपना जो ड्रोन शॉट वगैरह है सारे जो काम है वो निपटा के निकल जाते हैं हम। और सामने लगभग धूप निकल चुकी है, जो माउंटेन वगैरह है केदार डोम वगैरह जो पीक है
पे धूप तो निकल चुकी है और हम लोग भी निकल गए हैं। लिए है आपका तुम ना चुपता, यहाँ से लगभग धूप निकलने ही वाली है। इसीलिए वीडियो कंटिन्यू मुझे चालू रखना पड़ेगा, किसी भी टाइम कुछ भी मिल सकता है। एक यहाँ पे गिरा, एक आगे गिर गया। और जिस चीज के लिए हम आए थे यहाँ तो 2.5 से 3 फीट ये नजर आया। वाओ देखिए अमेजिंग व्यू। अब भी मजा लीजिए, चला फोटो खींचो और हम भी मजा लेते हैं आपके देवरिया ताल। और जो सामने जो पीक वगैरह है सारी क्लीन है, और जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है वो शायद मुझे जहां तक लग रहा है वो पैक होगा। ये देखिए गाइस, 2.5 से 3 फीट और अभी लगभग फर्स्ट शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है हम लोग ही हैं जो देवरिया ताल में एंटर हुए हैं। और ये देवरिया ताल का नज़ारा है, और ये हैं अनुराग और ये हैं अमरीश भाई, और लोग पीछे से आ रहे हैं, उनका थोड़ा काम था, हमने तभी तक सोचा। हम ये देखिए ये है आपका देवरिया ताल लेक, जिस लेक के लिए लगभग बाहर से अनेकों यात्री आते हैं, चाहे आपका फॉरन से हो कि सारी जगह से सारे लोग आते रहते हैं। और इस जगह पे हम लोग 5-6 लोग थे, और जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो शूट किया, और इसके बाद अभी सामने का वेदर दिखाता हूँ आपको। और लगभग जो लेक है ये आपका 800 मीटर के अराउंड पूरा लेक पूरा रूट है। और इसको लगभग जब श्रावण के महीने में इधर लोग आते हैं और जब जन्माष्टमी होती है तो इसको कंप्लीट करते हैं सारे लोग, ये इसका पूरी परिक्रमा करते हैं और शुभ माना जाता है। और ये है प्रीति, राहुल जय ना, राहुल लगे हैं अपना ब्लॉग शूट करने पे। मजा आ गया, बहुत ही सुंदर, ऐसा लग रहा है कि जन्नत यही है। yes. Really? कल रात के टाइम पे और शाम के टाइम पे जो हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे वो यही सोच के बना रहे थे कि देवरिया ताल अगर लाइव स्नोफॉल होता है तो एक बहुत अच्छा यस मॉर्निंग में, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह अभी हम हैं यहाँ पे अभी और कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे पहुँचे।
लगभग हम लोग भी निकलने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों को जो टाइम दिया गया था वो दिया गया था 9 बजे का टाइम मक्कू में दिया गया था, पर वहाँ पे थोड़ा स्नो ज़्यादा होने की वजह से मुझे लग रहा जाना थोड़ा टफ हो सकता है। और लगभग टाइम अभी जो आपका हो रहा है 8:30 हो चुका है और हम लोग भी यहाँ से डिसेंड कर रहे हैं। चलिए फिर निकलते हैं हम लोग भी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे और फिर आपसे बातें करते हैं। आप भी इंजॉय लीजिए, मज़ा लीजिए देवरियाताल लेक का। और रास्ते में छोटी छोटी दुकानें आपको सारी जगह मिलेंगी लगभग पूरे देवरियाताल के रूट पे। और यहाँ से हम लोग डिसेंड कर रहे हैं और ये जगह है आपकी मक्कू मठ। हम लोगों को जाना है, इस जगह जाना है। और लगभग आज की जो स्नो है वो लगभग आपके जो सारी विलेज है, जो सारी विलेज में अच्छी तरह से जो स्नोफॉल है वो लगभग हल्का फुल्का स्नोफॉल हो रखा है। और पुष्पराज स्लो बढ़ाओ ना तू। ये है आपका सारी विलेज। सारी विलेज में भी लगभग थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो रखा है, वैसे जितना होता है उतना तो हुआ नहीं है पर काफ़ी है, और जगह के मुकाबले काफ़ी है। चलिए फिलहाल लगभग हम लोग भी सारी में पहुंच चुके हैं। भाई फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो चुका है। अगर चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्यार से कमेंट करना ताकि मैं आपको पहाड़ से रिलेटिव ऐसे और अनोखी वीडियोस लाता रहो। मिलता हूँ एक नए दिन नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय एंड टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।